मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हम अपना लेसन नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर शुरू करेंगे। इसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस कर रहे थे, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने मस्कुलर फोर्स कर लिया था। अब हमें करना है सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एक बॉल क्या कर रही है, ग्राउंड पे मूव कर रही है, ठीक है, धीरे धीरे, और एक टाइम आता है जब वो कम्प्लीटली रेस्ट पे आ जाती है, रुक जाती है। यू फाइंड नो विजिबल फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द बॉल। इट यर्थ इट्स स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। आपको आपने कोई ऐसा फोर्स नहीं देखा जो इस बॉल पे एक्ट कर रही हो, पर फिर भी ये थोड़े टाइम बाद क्या होती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये एक टाइम पे आने पर रुक जाता है। वट इज़ द कॉज ऑफ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। क्या कारण है इस बॉल के स्टेट ऑफ मोशन के चेंज होने का। इज एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल टू स्लो डाउन एंड ग्रेजुअली स्टॉप इट। क्या कोई ऐसा फोर्स काम कर रहा है बॉल पर जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो हो रही है और ये अचानक से रुक भी जाता है। इन विच डायरेक्शन दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग। किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो कौन सा फोर्स है वो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बॉल। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बॉल और ग्राउंड के बीच में काम कर रहा है। ये बॉल है, ये ग्राउंड, इनके बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। बॉल एंड द ग्राउंड डेट अपोजिस द मोशन ऑफ द बॉल। जो ग्राउंड क्या कर रहा है, बॉल को उस तरफ पोज कर रहा है, ठीक है, कि इस तरफ मत आ। बॉल एंड ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। और इसकी वजह से, और बॉल आगे मूव करता है, ग्राउंड उसे पीछे धक्का देती है, इसी वजह से बॉल फिर एक टाइम पे रुक जाती है। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट डेट अपोजिट द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शनल फोर्स, मान लो जो दो क्या कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, हम उसे कहेंगे जब कोई भी मोशन, मतलब कोई भी फोर्स दो सर्फेसिस के बीच में लग रहा हो, जैसे बॉल और ग्राउंड इनके बीच में लग रहा हो, और वो दोनों क्या हो, कॉन्टैक्ट फोर्स हो, आपस में क्या हो, टच में हो, तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा। ओके, और हमेशा ये सरफेस पे वर्क करता है, ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच। इट ऑलवेज अपोजिस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हमेशा क्या करेगा, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपोज करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तभी लग पाएगा जब सरफेस क्या हो, रफ हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का जो सरफेस हो वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में हो। द मोर इज़ द रफनेस ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट द मोर इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन दैम। तो देखो, जितना ज़्यादा जो मान लीजिए फर्श है, ग्राउंड है, जितना ज़्यादा वो रफ होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। नेक्स्ट इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। इसको हम अगली क्लास में करेंगे, अभी हम इतना ही करेंगे। ओके, तो आप लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें। आगे हम अगली क्लास में करते हैं। ओके?